धरती और क्या आकाश, क्या धरती और क्या आकाश, सबको प्यार की प्यार। मुबारक हो देवीदास जी, ये तुम्हारा सातवां बच्चा है ना? जी नहीं, आठवां। वो देखिए, वो देखिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मैंने सुन लिया, क्षमा से आ गई। चलो निकलो यहाँ से सारे के सारे। हरिया जा। कमाल बेटी, आज सात साल आई है। मुबारक हो श्यामा। मुबारक हो। अरे तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो अंदर, चलो प्लीज। मौसी आप भी चलिए ना। चलिए मैं। अरे अरे ओ देवकी, तो बाहर मिठाई खत्म हो गई है, जरा जल्दी से मिठाई भिजवाओ। हाँ मिठाई तो मैं भेज दूंगी, पर तुम हो किस मर्ज की तरह, आज के दिन में तुमसे बच्चे नहीं संभाल जाते। तो मैं क्या करूँ, तुम हर साल एक पढ़ाती जाती हो, तो मैं क्या, मेरा बाप नहीं संभाल सकता है। हूं पहले रस्म तो पूरी कर ले पगली, जहाँ बच्चे को लेकर क्या। अभी लाती हूँ काकी, अभी लाती हूँ। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, जा बाबूजी के पास भाग। आइए आजा माँ के पास मेरी लाल, आज तेरा नाम रखेंगे गोपाला गोपाला। अच्छा श्यामा, ला मुझे भी मुन्ने को पालने का पहला झुमका मैं दूंगी। हाँ,
और कौन दे? श्यामा बासु आज के हाथ से पहला झोंका दिलवाती है। अभी दीवानी किसी आस औलाद वाली के हाथ से रसीम पूरी करवा ला, मेरे पास दे बच्चे को, जा तू उधर बैठ। कमला की मां लो तुम डालो झूले में बच्चे को, शुभ काम शुभ हाथों से होना चाहिए। जल्दी से, और बसंती तू जा ड्यूटी कॉलर लेकर आ।
आशा। आशा क्या बात है? कुछ कैसे नहीं, जरूर कोई बात है। तुम वहां से फौरन चली आई, कार में भी चुपचाप बैठी रही, मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। मुझे जैसी पांच को ऐसी खुशी के मौके पर दूर रहना चाहिए। तुम्हें वहां किसी ने कुछ कह दिया शायद, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हे भगवान श्याम सुंदर, 8 बरस हो गए अभी तक मेरी बेटी की गोद सुनी है, उसकी गोद भर दो भगवान। 101 रुपए दान करूंगी तुम्हारे नाम, और रोजाना शुद्ध घी की मिठाई चढ़ाया करूंगी तुम्हें। क्यों जी, गए थे साधु महाराज के पास? अजी मैं क्या पूछ रही हूँ, गए थे या नहीं गए साधु महाराज के पास? अरे साधु महाराज के झोली में बच्चे लिए फिरता है, आए? जब देखो बच्चे की बात, जब देखो बच्चे की बात। तो क्या तुम्हारी बातें करूं? आशा की माँ, क्या कमी है हमारी बेटी को? इतना अच्छा शौहर है, इतना बड़ा मकान है, इतनी दौलत है। आए यही तो मुसीबत है, जो देखता कलेजा जल जाता है। किसी की नजर लग गई है मेरी बेटी को? लगी होगी तो तुम्हारी नजर लगी होगी। मेरी नजर तो तुमको लगेगी, वरना कोई तरकीब सोचो। तरकीब? मैं सोचूं तरकीब? हाय, 8 बरस हो चुके मेरी बेटी की शादी को, ना कोई इस घर का वारिस, ना कोई इस घर का वारिस। क्यों परेशान हो रही हो आशा की माँ? बात बात देखो, इस घर के वारिस तो हैं आशा और अशोक, उस घर में भी भगवान एक दे देगा, अभी तो वो खुद बच्चे हैं। यार अशोक, तुमने से तोड़ा तो नहीं क्यों लेते हो? तोड़ा कौन सा लेते हो? अरे दो जी में आए ले लो। मुझे तो तुम्हें पसंद है। तुम भी समझते तो नहीं है। जीवन भर मेरी आशा को तरसाते रहोगे? लोगों के घर 8-8 बच्चे और मेरी बेटी को एक भी नहीं। अब तो मैंने तुम्हारे जेवर भी बनवा दिए हैं। बस अब जल्दी से मेरी बेटी की गोद भर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करती रहूंगी दीन बंधु, जिंदगी भर सेवा करूंगी, जिंदगी भर सेवा करूंगी। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आज 26 जनवरी के दिन हर साल की तरह आप सेवा कुंज की सहायता में पूरा पूरा सहयोग दे रहे हैं। सेवा कुंज के संचालक
और उसमें पलने वाले बच्चे और बच्चियां आप सबका तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी लोगों के सहारे इन बच्चों का पालन पोषण होता है। इनकी तमाम जरूरतों को हम अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करने की कोशिश करते हैं, मगर इन बच्चों के जीवन की एक ऐसी जरूरत है जिन्हें हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, और वो जरूरत है माँ बाप का प्यार। सेवा कुंज ही क्या, संसार का कोई भी आश्रम बिना माँ बाप के बच्चों की इस जरूरत को पूरा नहीं कर सकता। माँ बाप का प्यार तो केवल गृहस्थों के घरों में ही मिल सकता है। अगर एक एक गृहस्थी एक एक बच्चे को अपना ले, उसे अपना ही बेटा बेटी समझे, उसे माँ बाप का प्यार दे, तो मेरा ये विश्वास कि सिर्फ इस देश के ही नहीं तमाम दुनिया के बिना माँ बाप के बच्चों की ये समस्या ही हल हो जाए। खैर, आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे सेवा कुंज के बच्चे और बच्चियां जो कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं, उसका नाम है किसका देश। उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण में सागर है विशाल, पश्चिम में पंजाब का पहरा, पूरब का प्रहरी बंगाल। मर्द मराठा घड़ी ओढ़ तो
बताना ना वेश और भाषा के पीछे देश का प्रेम भुलाना ना। खींच लकीरें नक्शे पर हमें अलग अलग दिखलाना ना, भेदभाव की फूट डाल कर में आग लगाना ना, किसकी पगड़ी किसका कुर्ता किसका घूंघट किसका वेश, एक हमारा देश है तो अब एक हमारा होगा वेश। हम एक थे हम एक हैं हम एक ही रहेंगे, दुनिया के आगे बात ये सौ बार हम कहेंगे। क्या हम एक थे हम एक हैं हम एक ही रहेंगे।
भी काम पड़े तो हिल मिल जाए, हिल मिल जाए। हथियारों की चालों से हम कभी न होंगे न्यारे, एक ही जननी एक ही माता की आंखों के तारे, एक ही जननी एक ही माता की आंखों के तारे। रखेंगे अपनी शान, रखेंगे अपनी शान, सब तूफान हम सहेंगे, दुनिया के आगे बाद ये सौ बार हम कहेंगे। हम एक थे हम एक है, हम एक ही रहेंगे, हम एक ही रहेंगे, हम एक ही रहेंगे। बड़ी खुशी की बात है भाई, बड़ी खुशी की बात है कि आप दोनों मेरे विचारों से सहमत हैं और सेवा कुंज के एक बच्चे को अपने घर में जगह देना चाहते हैं। मगर अभी आप दोनों की उम्र ही क्या है, भगवान ने चाहा तो एक दो साल में आपके अपने ही घर में। नहीं रामदास जी, डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें कभी कोई बच्चा हो नहीं सकता है। देवी जी, मुझे आपसे पूरी हमदर्दी। अच्छा, तो आप लोगों ने कोई बच्चा पसंद किया है? जी हाँ, वो छोटा सा लड़का जो पहले बांसुरी लेकर आया था और आखिरी में इसने सलाम किया था। अच्छा, तो आपने गीता को पसंद किया? गीता है? जी हाँ, वो लड़का नहीं लड़की है। वो लड़की है? जी। लो, तुम तो उसे लड़का समझ रही थी। अच्छा, तो क्या हुआ, मुझे लड़की पसंद है। वो इतनी जल्दी क्या है, जरा सोचो तो सही। आराम से। क्या बात है, जैसा लड़का वैसी लड़की। नहीं बेटी, ये ठीक कह रहे हैं, लड़की की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती है। लेकिन वो मैं फॉर्म देता, ये फॉर्म ले जाओ, आपस में सोच विचार कर लो और जब फैसला कर लो तो इस फॉर्म को लेके सेवा कुंज के दफ्तर में किसी भी दिन आ जाओ। अच्छा, नमस्ते। 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 सुनिए, मैं जरा उस बच्चे से मिलना चाहती हूँ। क्यों नहीं, मगर वो बच्ची भी अक्सर अपने माँ के बारे में पूछा करती है, अगर आप फैसला करने के बाद उसे मिली तो। हाँ हाँ, ठीक ही तो कहते हैं, चलो। तो कपड़े भी बदल लिए बेटा। हाँ पापा, आई थी क्या बाबू? आई थी क्या? कौन बेटा? मेरी माँ आएगी बेटा, एक दिन जरूर आएगी। चलो अब घर चले। शीला, सामान बांध दिया बेटा, चलो चलो चलो। अरे वो कौन है? जयश्री बेटा, तेरा भारत के नक्शे से बच के खड़े। शीला, नमस्ते जी। नमस्ते, नमस्ते गुप्ता जी, धन्यवाद सेवा कुंज के। तो आप लोगों ने फैसला कर लिया शायद? क्या करे रामदास जी, ये तो मानती नहीं है। अजी जी, अच्छा आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। गुप्ता जी, देवी जी, मुझे बेहद खुशी है कि आप एक बिना माँ बाप के बच्चे के माँ बाप बनना चाहते हैं और उस बच्चे को वो सब कुछ देना चाहते हैं जो दुर्भाग्य ने उसे छीन लिया। काश सभी ऐसा सोच पाते। खैर, ये बच्ची बहुत प्यारी है और सच पूछिए तो सभी बच्चे प्यारे होते हैं, मगर मुझे विश्वास है कि आप दोनों का प्यार पाके वो आपके जीवन को बहुत सुखी करते हैं। अच्छा, मैं उसे लाता। गीता, बना लिया घर मेरी बेटी ने। अच्छा है ना बाबा? बहुत अच्छा बेटे। किसका है, तेरा या तेरी गुड़िया का? बेटे तो पूछा करती थी ना, मेरी माँ कौन है, कहाँ रहती है, कब आएगी? हाँ बाबा। वो आ गई बेटा, तुझे ले ले। कब मेरी माँ?
हाँ बाहर बैठी है दफ्तर में। अरे बेटे डरती क्यों है? यही तो है तेरे माँ का। आओ मिला लो भाई, देख लो, अच्छी तरह पहचान लो, यही है ना आपकी बेटी गीता? दिखती तो वही है। क्यों जी, तुम पहचानो? अरे हाँ, ये तो बिल्कुल वही है, वही आंखें, वही नाक, वही नक्शा, ये तो है अपनी गीता। हाँ अच्छा, तो आ जाओ बेटी मेरे पास, देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। नहीं, मेरे पास आएगी? नहीं नहीं, आ जाओ ना। नहीं, नहीं नहीं, मेरे पास बेबी आओ ना, आ जाओ ना। क्या ये तेरी माँ और ये तेरे बाप? क्या मेरे इनसे आ जाओ, शाबाश। क्या है बेटे, क्या है? क्या के खुद पूछ ले। मेरे पास आएगी, मेरे पास आएगी। आ गई, कितनी अच्छी बेबी है। देखो जी, ये तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। क्यों, मेरी बेटी है ना? बेबी क्या देख रही हो? अरे बेबी, मेरा मुंह क्या देख रही हो? मैं सच्ची मामा। हाँ माने देखो, बिल्कुल सच्ची। बिल्कुल सच्ची? मन से? ईमान से। ये कौन है? ये तुम्हारे डैडी। डैडी? हाँ, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे बाप। बाप? बात करो उनसे, जाओ ना। मेरे साथ चल। कहाँ? अरे रे, कहाँ चलो? गीता इस मूर्ति को अपनी माँ की तस्वीर समझती है। अच्छा, सेवा कुंज के बच्चे जब भी अपनी माँ के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें ये मूर्ति दिखा देता हूँ, शायद शक्लें मिलाने की कोशिश कर रही है। क्या देख रही हो बेबी? बताओ ना, क्या देख रही हो? क्या देखा, बोलो ना, क्या देखा? हमने पहचान लिया, तुम भी हो मेरी माँ। माँ तुम इतने दिन बाद चली गई थी। आशा की माँ, वो आशा की माँ, आशा की माँ, वो आशा की माँ। जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए मेरा तो सुनने, मुझे दोष मत देना। तुम्हारी बेटी ने जानती हो क्या किया? क्या किया? सेवा कुंज की एक लड़की को अपनी बेटी बना लिया है। हाय, अनाथ आश्रम की लड़की? कौन कहता है? मैं कहता हूँ, अशोक का टेलीफोन आया था दफ्तर में। तुमने उन्हें मना नहीं किया? अरे मुझे कोई पूछता तो मना करता। मैं मना करूंगी, हमें नहीं चाहिए ऐसी लड़की। अब क्या मना करोगी, अब तो उसे घर ला रहे होंगे। देखो तो ये है हमारा घर, देखा? हाँ? और जानती हो ये कौन है? ये हमारा नंदू है, ये हमारी भशंत्री है। और देखो भाई, वो हमारी छोटी सी बेबी, खो गई थी ना बचपन में, ये वही है गीता। ओ, मिल गई। चलो चलो, इसको भी मेरा हिस्सा दिखा। हाँ चलो 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 चलो। देखो
सच्चे है ना? और मालूम है ये क्या है? ये हमारा कमरा है। चलिए इसे कुछ और दिखाएंगे। दीदी जानती हो ये क्या है? ये तुम्हारा कमरा है। हाँ, यहाँ की हर चीज तुम्हारी है। अच्छी तरह देख लो, पसंद है ना? क्या हुआ बेबी? रोने क्यों लगी? अरे रो रो, इस तरह नहीं रोते बेबी। बेबी देखो तो ये सब कुछ तुम्हारा है, ये सब चीजें तुम्हारी है। हाँ? मत रोना भाई, इसके लिए कुछ कपड़े तो लाओ। आ जाओ मेरे पास। आ जाओ मत रोना। अच्छा बेबी बोलो, जल्दी लाओ ना कपड़ा। बेबी बोलना कौन सा चाहिए? बोलो ना, वो लाल पीला हरा। बोलो ना बेबी, बोलो ना कौन सा चाहिए? बोलो बोलो। नहीं बहुत अच्छी है। जानती ये कौन है? ये तुम्हारे नाना है और ये नानी है। नानी? नहीं समझी। अच्छा इधर बताओ, इधर मैं कौन हूँ? डैडी। और ये कौन है? मम्मी। तो ये मेरी मम्मी है। अच्छा तो ये मम्मी की मम्मी है। अरे आओ गीता, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। मम्मी मैं पूछती हूँ, तू पागल तो नहीं हो गई? यतीम खाने से लड़की उठा लाई, जो सुनेगा कोई छूटेगा। न जाने किसकी लड़की है, किस कौम की है, किस धर्म की है, ना उसकी माँ का पता ना उसके बाप का पता। पता कैसे नहीं मम्मी? मैं उसकी माँ हूँ और ये उसके बाप थी। आई चल बैठ, ये भी सोचा लोग क्या कहेंगे? लोगों की बात मैं नहीं जानती, मैं तो अपनी बात जानती हूँ। देखो मम्मी, वो बेचारी मुझे अपनी सगी माँ समझती है और उसे पाकर मेरी जिंदगी में मेरी खुशियों की बहार आ रही है। लेकिन बेटी जरा सोच तो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मम्मी, अब कुछ मत। मैं मान गया अशोक, तुम्हारी बेबी वाकई लाखों में एक है। मेरा जी चाहता है कि मैं भी सेवा कुंज से एक बच्ची ले आऊं। तुम्हारी तो अक्कल सट आ गई है। अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखती हैं? बजाय इससे कि लड़की को कुछ समझाओ, ये क्या उल्टी बातें कर रही हो? उदाहरण से मम्मी तू चुप है, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रही हूँ। क्यों डांटती हूँ मम्मी की मम्मी? देखा शाह, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, अब तू जान और तेरा काम जाने। चलो जी। तू फिक्र मत कर बेटी, उसकी तो आदत है, मैं समझा दूंगा। तुम दोनों ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अच्छा बेटी गीता, टाटा 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 टाटा। अच्छा अशोक चलिए मैं चलता। अपने पराये का भेद भी नहीं मालूम तुमको?
मैंने कहा था मेरी बेटी की गोद भर देना, तो ये गोद भरी है तुमने। मैं पूछती हूँ किस ने भगवान बनाया तुमको? आशा की माँ। मेरा नाम क्या? ना मैं आशा की माँ ना तुम्हारी कोई। तो चलो छुट्टी में। चले कहाँ? मैं कहती हूँ तुम्हें शर्म नहीं आई लड़की को उल्टी उल्टी बातें सिखाते हुए? जैसे तुम पैसे बुद्धू दामाद मिला है। ये मगर सुनो तो मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हाय मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी, न जाने कहाँ से गंदी लड़की उठा लाए। और तुमको क्या कहूँ भगवान, तुमने तो मेरी बेटी की मत मार दी है, बच्चे के लिए अंधा करके रख दिया है उसको। कान खोल के सुन लो भगवान, जब तक तुम मेरी बेटी की अकल ठीक नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी और ना ही तुम्हें मिठाइयां चढ़ाऊंगी। लाओ मेरी बंसरी और लाओ मेरा मुकुट। हमारी बेबी खाना खाएगी। ये बताओ क्या खाएगी? ये अरे तू पंजा मार दिया है। साफ़ कर, साफ़ कर, जल्दी साफ़ करो, जल्दी साफ़ करो, जल्दी जल्दी हाथ से ये ले। अपनी बेबी के लिए हम क्या लाए हैं? नहीं, चुप रहो जी। हाँ बताओ। डैडी, साड़ी। बताना। बता दो। अच्छा चलो, चलो फिर यहाँ बैठे हो। अरे आशा क्या करो? आशा क्या करो? डैडी बता दो। हाँ बता दो। चलो आग बंद करो, बंद करो, बंद करो। तुम ही बंद करो जी। हाँ। देखना मत, देखना मत। वन, टू। हेलो। हाँ, देखो देखो देखो, देखो। अच्छी है ना? बहुत अच्छी, तुझे पसंद है? हाँ। और ये? ओह मम्मी ये तो बहुत है। अरे हाँ। और ये? हाँ हाँ मम्मी चुड़िया। तो चुड़िया पहनेगी? हाँ आ तुझे पहना दूँगी। अरे वाह वाह। अरे बेबी रोती क्यों है? क्यों रोती है? नहीं 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 मत रो, मत रो ना, मत रो। I'm
बेटी और क्या आका, सबको प्यार की प्यार, प्यार की सुना तुम आज गई थी वहां, क्या हाल चाल है आशा के? पछताएगी, देख लेना पछताएगी एक दिन। माँ बनना कोई हट्टी खेल नहीं है, पूछो ना उसे दर्द उठे ना पेट से जन्म दिया, माँ बन के बैठ गई और बहुत सर चढ़ा रही है उस यतीम खाने की लड़की को। देख लेना एक दिन ऐसा पछताएगी, ऐसा पछताएगी कि बैठ के रोएगी अपने फूटे कर्मों को। आई वो क्या जाने माँ किसे कहते हैं, बच्चा किसे कहते हैं, कोई मुझसे आके पूछे माँ के दिल का हाल। ले आई यतीम खाने से लड़की उठा के, बन बैठ के दोनों माँ बाप और तुम बन गए नाना। आई शर्म तो तुमने धून खाई है, आई आग लगे तुम्हारी वकालत को, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। मास्टर रखा होगा बेटा। और पापा, मीना, रजिया, शीला सबको मैं नमस्ते कहती
रही हो तो सब यही खड़ी है। भाई गीता सबका नमस्ते कह रही है। हम नहीं, मैं हम। अच्छा बाबा हम।
क्यों भूखे मर रहे हो भगवान? क्यों अकल ठीक नहीं कर देते आशा? याद रख, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो पूजा और भोग तो अलग, मैं तुम्हें पानी को भी ना पूछूंगी। हाँ चंद ढले पंख झले, चंद ढले पंख झले मैया तुम्हारी, फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी, रात की रानी ने तेरी सेज सवारी, फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी। चांद का पलला है तो रेशम की है डोरी, चुम के मुख झूम रही चांदनी गोरी, टोलिया परियों की सुनाए तुझे लोरी, सपनों की नगरी में चली लाडली मोरी, लाग लली तुझको मेरी उमरिया सारी, फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी, चंद ढले पंख झले मैया तुम्हारी, फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी। अरे सो जाओ आशा की माँ, सो जाओ। सुनो मुझे एक आइडिया आया। आइडिया? हाँ आइडिया अपने भगवान को सुना, मुझे नींद आ रही। खुशी है ही कि मेरी बच्ची को माँ बाप का इतना प्यार मिल रहा है, मगर आप दोनों के खिले हुए चेहरे देखकर बेटी सच मानना मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि इस बे माँ बाप की बच्ची ने आप दोनों के जीवन को कितना सुखी बना रखा। Thank you.
कहाँ है गीता? उधर अरे गीता बाबा। जीती रहो बेटा, सुखी रहो, बहुत बहुत मुबारक आप सबको भी, बहुत बहुत मुबारक। अरे बेटा जाओ बैठो ना गीता के घर में, जाओ 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 बेटा। दिया कीजिए, कोई फिकर की बात तो नहीं डॉक्टर? ओह नो, बट शी इज गॉट टू बी केयरफुल ऑफ कोर्स। सुन ले, अब ज्यादा चलना फिरना मत, काम धंधा तुझे कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठी रहा कर। इतने लोग हैं जो यहाँ, नंदू है, बासंती है, गीता है। क्या मम्मी, क्या हुआ तुमको? बोलो ना मम्मी, बोलो ना। तुम्हारा भैया आने वाला है बेबी। ओहो, समझती क्यों नहीं, तेरा छोटा सा भैया आने वाला है। भैया कहाँ? मम्मी की गोद में। बोलो ना मम्मी, बोलो ना। मैं अभी आ रही हूँ। अरे बेबी सुनो तो, कहाँ जा रही हो? हेलो सेवा कुंज। बाबा मेरे पिता, बाबा मेरा भैया आने वाला है। भैया? अरे कैसी क्या है भैया आने वाला? ओहो आप समझते क्यों नहीं, मेरी मम्मी की मम्मी है ना, वो कहती है मेरा छोटा सा भैया आने वाला है मम्मी की गोद में, समझे? अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है भाई। है ना बाबा, है ना खुशी की बात। अच्छा बाबा, मीना बीना शीला रजा सब तो कह दो मेरे पास। अच्छा अरे बता दूंगा बता दूंगा। और सुन, तू भी मेरी तरफ से डैडी और मम्मी को बहुत बहुत मुबारक देना, हाँ भूलना नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा अब मैं जाती हूँ, आज मुझे बहुत काम है। अच्छा नमस्ते।
बलिहारी है भगवान, बलिहारी है। तुम्हारी लीला अपरंपार है दीन बंधु, हम पापी क्या समझे। जय हो जय हो जय हो। कैसा बढ़िया इलाज किया है मेरी बेटी का दीन बंधु। अब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और जैसे ही आशा को अपना बच्चा हुआ कि साल 6 महीने के अंदर ही अंदर गीता को छुट्टी मिल जाएगी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय। आशा गीता इधर। नमस्ते। अरे तू फिर यहाँ बैठी है। मैंने कितनी बार कहा कि पलंग पर लेटा कर, मगर तू सुनती नहीं। कैसी तबीयत है? अच्छी है मम्मी, मुझे क्या होने लगा। ले मैं तेरे लिए फल लाई हूँ। अरे कुछ खाया पिया कर। ये कुछ भी नहीं खाती मम्मी की। मम्मी मैं तो हार गई समझा समझा के। हंसती क्या? देखो। अच्छा अच्छा देख लिया। अरे अब तू हंसती जाएगी या कुछ खाएगी भी है? ले ले खा खा। मैं इतने सब कैसे खा सकती हूँ मम्मी, तुम तो कमाल करती हो। अब बोलो, मैं तो चल आ गई मम्मी की। मम्मी अब तुम भी खाओ, मैं दूर जाती हूँ। मैं तो कितनी प्यारी लड़की है मम्मी। आए हाय मैं क्या बताऊं, मुझे तो कोई काम ही नहीं करने देती। मेरे खाने का पीने का दवा का एक एक बात का ध्यान रखती है। अच्छा अच्छा बहुत लाड हो गए बेटी के। जब तेरा लड़का होगा तब पूछूंगी। चल कमरे में चल, आहिस्ता हो। ओ न जाने तुझे कब अकल आएगी। चल चल के आराम कर ले। अरे दूध का है दूध, मम्मी चाय पियेंगी क्या? अरे वो अरे लेकिन बेबी ये तो ठंडा दूध है। मम्मी गर्म दूध नहीं पीती। अरे हाँ घर घर बेबी मैं ले जाता हूँ। हटो ना तुम गिरा दोगे। आए अरे बेबी तुम लाई हो। देखो तो मम्मी तुम्हारे लिए चाय बना के लाई है और मेरे लिए दूध। अरे इतना सब कुछ। ये चाय तुमने अपने हाथ से बनाई है, संभालना गिरना नहीं। नंदू नंदू बेबी तुझे कितनी बार मना किया है ऐसे काम मत किया कर, कहीं लगी तो नहीं? नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन कब टूट गए। अरे टूट जाने दे, तू तो बच गई ना, फिर ऐसे काम नहीं करना। हो नंदू तू सफा कर दे जल्दी से। बसंती मैं इसके कपड़े बदल। शराब की कही थी। देखा मम्मी ये हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। आ बच्चों की ऐसी हरकतें बड़ी प्यारी लगती हैं। मैं तो रोज भगवान से कहती हूँ, हे भगवान लड़की तो है, बस एक लड़के से मेरी बेटी की गोद भर दे। और लड़की हुई तो मम्मी हाय मजाल है लड़की हो जाए। देख लेना लड़का होगा लड़का होगा लड़का होगा। हे भगवान लड़का देना लड़का देना लड़का देना लड़की देना लड़की देना लड़की देना है? लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का क्या हुआ लड़का? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर गुप्ता,
लड़की हुई है। लड़की लड़की अरे 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 शुक्र कर भगवान का कुछ तो हुआ, इस साल लड़की हुई तो अगले साल लड़का भी हो जाएगा। आई देखो तो गीता कैसी भगवान लड़की है, जब से उनके घर आई है खुशियों की बरखा हो रही है, तरक्की हो गई, तनख्वाह बढ़ गई, और अब देखो तो बरसों के बाद आशा की गोद भी भर गई। लड़कियां तो होते ही हैं लक्ष्मी का रूप। हे भगवान, अब की बार मुझे भी लड़की देना। ठहरो ठहरो ठहरो, ये क्या गजब कर रही हो? भगवान के लिए अब तो बस करो, ये 8 भूत काफी है मेरा गला घोटने की। देखो जी, खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चों के लिए बुरा भला कहा तो जब देखो कोसते रहते हो। आखिर ऐसे कौन से 150 बच्चे हैं, 8 ही तो हैं। हाँ, हरिया, मोहन, केशव, माधो, शंभू, किशन, गोविंदा। अरे कमबख्त, क्या कर रही है, गिराएगी क्या? ओ, ओ, बड़ी आई है नाच करने वाली। क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही है? अरे होता क्या, इसने तो पटक दिया था अभी। शुक्र करो मैं आ गई, इसने तो उठा लिया था। गीता, मैं तो रितु को खिला रही थी मम्मी। बच्ची को दूर से खिलाया करते हैं बेबी। फिर हाथ मत लगाना, जब देखो उसके पीछे पड़ी रहती है। जब आके पार्टी देने वाली है, मुझे जल्दी जाना चाहिए।
लोग पिकनिक में चले गए बेबी, आओ चाय पियो। चले गए? उसको अकेले छोड़ कर चले गए? अरे तुम्हें तो क्या बेबी, वो तो मुझे भी अकेला छोड़ गए, बसंती को भी अपने साथ ले गए। आओ चाय पियो। बेबी बेबी, अरे अरे चाय नहीं पियोगी क्या बेबी? नहीं पीऊंगी क्या? पानी भी नहीं पीऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। तुमने देखा ये लोग गीता को हिलाए अपने साथ? दोनों के दोनों, और आशा तो अपना सारा दुख भूल गई है। अजी मुझे तो ऐसा लगता है कि अब थोड़े दिनों में गीता को छुट्टी मिलने वाली। कौन कहता? मैं कहती हूँ। हर चीज नहीं, मेरी आशा ऐसी लड़की नहीं है। अजी तुम क्या जानो औरतों के दिल का हाल? सभी औरतें तुम्हारे जैसी थोड़ी ना सही, लेकिन आशा तो मेरी बेटी है ना। और मेरी नहीं है? कुछ बातें तुम्हारी है उसमें, कुछ मेरी भी तो है। तो नहीं, तुम्हारी बेवकूफियां तो पूरे तौर से है उसमें, लेकिन देख लेना गीता की छुट्टी तो होके रहेगी। हरगिज नहीं। देख लेना। हरगिज नहीं। अजी देख लेना। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम भी देख लेना। अजी मैं तो देख ही लूंगी। गीता क्यों हिला रही है बच्ची को? जब देखो उसकी जान भी आई रहती है। बस बस और आज तो स्कूल नहीं गई अभी तक। जाती हूँ। जाएगी कब? आजकल पढ़ने लिखने में तेरा ध्यान नहीं लगता, रख लिख लेने को। चल भाग जल्दी जल्दी कर, भाग यहाँ से। Then then go away, come again another day, little John wants to play. Gita, Gita, get up.
क्या सोच रही हो? आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तुम्हारे माँ बाप को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर आओ। साइन करा के लाना। What is the matter with this child? घर का काम काज सिखाओ, इससे वो भी नहीं होगा। मम्मी मैं कई दिनों से देख रही हूँ, इसका किसी काम में जी नहीं लगता। जाने क्या हो गया इसको? अजी होगा क्या, तुमने लाड में तबाह कर दिया इसको। जब पहले आई थी तब तो नहीं थी ऐसी। आइए मास्टर जी, ये लड़की आजकल कुछ नाचबाज सीखती है या नहीं? बाबू जी मैं भी आपसे यही कहने आया था, वे भी आजकल नाच में बिल्कुल जी नहीं लगाती। मैं रोज आता हूँ और रोज चला जाता हूँ। अच्छा तो आज से नाच सीखना भी बंद, कलाकार अपनी फीस ले जाइएगा। नाच सिखाना बंद बाबूजी? जी हाँ, कोई फायदा नहीं है। अब जा, खड़ी क्यों है? नाचने बंद कर दिए है इस लड़की ने, कितनी बदल गई है मम्मी। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर करूं तो क्या करूं। करना क्या है, घर के कामकाज में लगा दे, चौका है बर्तन। तुम तो कमाल करती हो मम्मी। देख आशा, तूने ली है लड़की की जिम्मेदारी। आखिर एक दिन तो पराए घर जाएगी। जब पढ़ती लिखती नहीं है तो घर का कामकाज सिखाने में बुराई क्या? लेकिन मम्मी तू फिक्र मत कर, मैं सब सिखा दूंगी। चल जल्दी बिस्तर साफ कर, तकिया उठा, रजाई ठीक कर, खिलौने उठा, बाका डाल रही है उधर टेबल पे, चद्दर चद्दर। अब वो क्या देख रही है?
दो चार बातें ही कर लूं अपनी बच्ची से, तो कैसी अच्छी है ना? अच्छी हूँ बाबा, मजे में हूँ। आजकल मैं खूब पढ़ती हूँ, खूब डांस सीखती हूँ, खूब पढ़ती हूँ बाबा, खूब पढ़ती हूँ। गीता, गीता
तू कहाँ घुसी आ रही है बीच में? अरे तूने अभी तक नहाया नहीं, सब लोग आते होंगे, क्या कहेंगे? आज पार्टी है मम्मी। हाँ हाँ पार्टी है, चल भाग जाते, चल जा जल्दी से मुँह धो कपड़े बदल जा। क्यों बेकारों से डांटा करती हो मम्मी? आई चल बैठ, तू फिर उसे लाड में तबाह कर देगी। वो कितनी देर लगा दी? अच्छा और सुनो, पार्टी तो रात को है ना? वो तो ठीक है, मगर रस्मों का इंतजाम कौन करेगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। सब हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। नमस्ते मौसी। नमस्ते। देवीदास जी कहाँ है? बच्चों को सर्कस दिखाने ले गए। ओहो, अरे ले 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 ले, मेरा बच्चा नो 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 नो। गीता कहाँ है? होगी यही कहीं। अरे बेटा, अरे देख बेटा गिरना जाए, अरे भाई बिटिया के हाथ से कोई ट्रे तो लो ना। नंदू नंदू, देख लिया आशा? देख लिया ना तूने? कमबख्त ने हाथ में पकड़ने से पहले ही छोड़ दिया, कर दिया ना 25 रुपए का नुकसान। अब मेरा मुंह क्या देखती है? जय आशा, जब देखो कुछ तोड़ फोड़ करती रहती है, समझ में नहीं आता क्या हो गया है इसे। नंदू साफ कर। लेकिन बेचारी ने जानबूझ के थोड़ी गिराया था। अरे तू नहीं जानती श्यामा, ये लड़की क्या आफत है आफत, रोजाना कोई नुकसान करती है, ना पढ़ती है ना लिखती है, और अगर कोई काम को कहो तो ये किया काम। लेकिन आशा पहले तो ऐसी थी, अब क्या हो गया उसे? मेरी तो खुद समझ में नहीं आता, सोचा था अनाथ बच्ची है, किसी लायक बना देंगे, मगर ये तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अरे बेटी, ये अनाथ आश्रम के बच्चे होते ही ढीठ है, इन्हें कितना ही लाड प्यार करो ये नहीं सुधरते, और फिर सुधरे भी कैसे? ना इनकी कौम का पता, ना जात का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता। तुम चुप रहो मम्मी, तू तो देख रही है श्यामा, मैंने तो इसे अपने बच्चे से भी ज्यादा समझा है। बच्चे तो तुम्हारी अब हुई है, इसे तो तुमने पहले से अपनी लड़की बना रखा है। अब तू ही बता श्यामा, इसके असली माँ बाप भी इतना कर सकते जो इन दोनों ने किया? सच कहती हो मौसी, लेकिन गीता के माँ बाप तो अब यही लोग है ना? यही तो मुसीबत है कि हम लोग इसके माँ बाप बन गए और इसे अपनी बेटी बना लिया। अब तो ये हालत है हमारी कि ना इसे रखते बनता है ना इसे छोड़ते बनता है। साफ छचुंदर की गत हो गई है और क्या। अजी वो तो नहीं आती। तो तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं आती है। आशा जी चाहे तो शायद आती है। अब ये जा चुकी। अब तू ही बता श्यामा, इसके असली माँ बाप भी इतना करते जो इन दोनों ने किया? यही तो मुसीबत है कि हम लोग इसके माँ बाप बन गए और इसे अपनी बेटी बना ली। अब तो ये हालत है कि ना इसे रखते बनता है और ना इसे छोड़ते बनते है। बच्चों से नफरत हो गई है, बच्चे मुसीबत है, वो
ये बोझ कब से हो गए? अभी कोई 3-4 महीने से बोझ हो गए बच्चे, तो हमें दे दो, हम संभाल लेंगे, हम पाल लेंगे। गीता को बहुत संभाल लिया, उसे बहुत पाल लिया। कहाँ है गीता? क्यों, यही होगी। बेबी नंदु, बेबी कहाँ? बसंती, बेबी कहाँ? भाभी जी अभी नीचे नहीं है, शायद ऊपर सो रही हो। गलत, तुम लोगों को ये भी नहीं मालूम कि गीता घर में नहीं है। कौन कहता है? मैं कहता हूँ, तुम दोनों की खुदगर्जी ने उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। जब तुम्हारे बच्चा नहीं था उस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत थी, उसकी चाह थी, और जब तुम्हारे बच्चे हो गए तुम्हें उसकी परवाह नहीं रही, उसकी जरूरत नहीं रही। वो मासूम बच्ची तुम्हारी गोद का खिलौना बनकर आई थी और आज तुम्हारी ठोकर खाकर चली गई। चली गई? तुम्हारे अरमानों को पूरा करने आई थी और तुमने उसके अरमानों का खून कर दिया। बच्चे खाने और कपड़ों पे नहीं पलते हैं, कपड़ों और जेवरों की प्यास नहीं होती है, उन्हें प्यार की प्यास होती है। तुम अपने औलाद की खुशी में पार्टियां दे रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और वो बिचारी प्यार की प्यासी यहां भूखी सो रही थी। क्या ख्याल तुमने उसका? तुम उस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर लाए थे। हेलो सेवा कुंज। रामदास जी, गीता वहां पहुंची क्या? जी हाँ, वो आज सुबह यहाँ से कहीं चली गई। चली गई? कैसे, क्या है आप गुप्ता जी? गीता आपके घर से भाग गई? आखिर वजह क्या हुई? ओहो, मगर वो तो ऐसी लड़की नहीं है साहब। अच्छा, कल रात को तो वही थी ना जी? नहीं गुप्ता जी, वो यहाँ नहीं आई। अरे गीता, तू कैसे आई? गीता, गीता, अभी आई है शायद। गीता, गीता बेटी, क्या हुआ बेटी? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? पापा, मेरा घर किसने तोड़ दिया? पापा, मेरा घर किसने तोड़ दिया? मुझे बड़ा अफसोस है गुप्ता जी, वो छोटी सी बच्ची आपको औलाद का सुख दे सकी, मगर आप लोग उसे माँ बाप का प्यार न दे सके। मैं समझता था अगर एक एक गृहस्थी एक एक बच्चे को अपना ले, उसे अपना ही बच्चा समझ ले, तो इन बेमाँ बाप के बच्चों की समस्या ही खत्म हो जाए और मेरे जैसे इन सेवा कुंजों की जरूरत ही न रहे। मगर मुझे आज मालूम हुआ कि मेरी वो धारणा ही गलत थी। आखिर अपना अपना होता है और पराया पराया। हाय हाय, तुमको ऐसा कह रहे हो जैसे सारा कसूर हम ही लोगों का है। माता जी, एक तो यतीम खाने के बच्चे को अपने घर में जगह दी, 100-100 नाज उठाए, ऊपर से हमें बदनामी का टीका लगाकर भाग गई। अरे ये अनाथ बच्चे होते हैं। बहन जी, बच्चे अनाथ नहीं होते बहन जी, वो तो भगवान का स्वरूप होते हैं, बाल गोपाल। अनाथ होते हैं सिर्फ वो लोग जो बच्चों को प्यार करना नहीं जानते। रामदास जी, हमसे भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हुई है। ये लोग अपने किए पर पछता रहे हैं रामदास जी, बहुत शर्मिंदा है दोनों। आप हमें माफ कर दीजिए रामदास जी, और किसी तरह बेबी को वापस भेज दीजिए। मुझे क्या ख्याल हो सकता है गुप्ता जी, गीता वापस आ जाए इससे मुझे खुशी होगी, लेकिन पहले आप लोग अच्छी तरह विचार कर लीजिए। विचार क्या करना है रामदास जी, आप यहाँ ठहरिए, हम लोग अभी चलते हैं। आशा,
आशा, आशा। रामदास जी, रामदास जी, रामदास जी। अगर मैं पूछता हूँ तुम्हारी मम्मी कौन होती है इस घर में हुकुम चलाने वाली, और वो पिता को नहीं लाई थी, तुम लाई थी, तुम मेरे हजार मना करने पर भी तुम जिद करके लाई थी उसे, आशा तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उसे अपनी बेटी बनाया है, और अब तुम्हें ये भी परवाह नहीं कि वो जीती है या मर गई। जी क्या मैंने उसे घर से निकाल दिया है, जब वो खुद ही मेरे पास नहीं रहना चाहता तो मैं क्या करूं? आशा मुझे अफसोस है कि माँ होकर भी तुमने बच्चे के दिल को नहीं पहचाना, जो तुम्हारे बिना खा नहीं सकती, सो नहीं सकती, तुमसे दूर जाकर उसकी हालत क्या होगी जरा सोचो तो सही। क्या करना है रामदास जी, हम लोग मानते हैं कि हमसे भूल हुई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और आप क्या कहती हैं? ये क्या कहेंगी, शर्मिंदा है अपनी हरकत पर, लेकिन बेबी की तरह नहीं, नहीं आप यहीं बैठिए, मैं उसे तरकीब से लाऊंगा, लेकिन अच्छी तरह विचार कर लिया है ना रामदास जी, हम लोग माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं माफी की कोई बात नहीं। अच्छा क्या सोच रहे हो? बाहर एक बड़ा अच्छा तमाशा आया है जी, एक शर्त पे दिखाऊंगा, आंखें बंद करो और बिल्कुल नहीं आंखें खोलना जब तक मैं नहीं कहूं। हाँ बिल्कुल नहीं आंखें खोलना, बिल्कुल नहीं। नहीं भाई उधर नहीं देखना, ये हमारी शर्त नहीं है, जब तक हमने बोले उधर नहीं देखना। हाँ बिल्कुल नहीं तैयार, एक दो बेबी, चल बेटी घर चले, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। बेबी ये क्या कर रही हो? मम्मी डैडी से बात करो, देखो तो गीता। बेबी बेबी देखो तो हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं, देखो देखो। बेबी अपनी मम्मी से बात नहीं करोगी? गीता चलो घर चले। मैं नहीं जाऊंगी बाबा, बेटा मेरी सुन तो, गीता 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 दरवाजा खोलो बेटा, गीता गीता बड़ा जल्दी करो, दरवाजा खोलो। बेबी बेबी रानी बेबी दरवाजा खोलो, बेबी दरवाजा खोलो, बेबी गीता बेटा जाना नहीं, दरवाजा तो खोलो, देखो तुम्हारे डैडी खड़े हैं। बेबी दरवाजा खोलो, बच्चा जिद कर रहा है, आप चिंता ना कीजिए, मैं उसे समझा बुझा के खुद आपके घर पहुंचा दूं। चलिए मोहिनी ले जा बेटा। मैं नहीं
आज भी जितना मांगो मिलता है मेरी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो मैं अपन तो बहुत सुन जाना मंदिर तो बहुत कहता आदमी बहुत काली है, काली है, एकदम काली है। मुर्गी किधर है? किधर है मुर्गी? मुर्गी भी साहब, साहब मुर्गी गायब है, साहब, साहब मुर्गी गायब है, साहब, आज, साहब, साहब एक भी मुर्गी नहीं है, क्या बंदूक है? मुर्गी ना जाएगा मुर्गी, क्या बंदूक है? मुर्गी काली है, 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 किधर से आया? How sweet! इधर आ, चलो, चलो, मुर्गी किधर है? What? How sweet! चलो, किधर? किधर? सेवा कुछ, सेवा कुछ। What? सेवा कुछ, सेवा कुछ। ओह, नेच कभी भी हम पहचान लिया है। अभी शाम हो गया, थोड़ी देर में रात रहेगा। बेचारा बीबी किधर को जाएगा? आ चलिंग हम तुमको सोने को देगा सोने को देगा कम चल अरे अपना मुर्गी का क्या होएगा कौन काय को मारता है ओ तुम मुंह क्या देखा मुर्गी पकड़ो मुर्गी पकड़ो क्या मुर्गी पकड़ो बेबी तुम काटा काहे को नहीं? का का बूम काहे को मारता है? काटा काहे को नहीं? कहेंगा कहेंगा बच्चा है तुम्हारा माफिक नहीं। ओहो जाओ जाओ ये भी लेकर के जाओ इधर कोई काने वाला थोड़ी बैठा है। Shut up! You shut up! बेबी कौन को काटा नहीं? हमारे हाथ से कहेंगा लो हमारे हाथ से कहो डरो मत डार्लिंग कहो ना कहो तुम्हारा नाम क्या गीता गीता ओह स्वीट कहो कहो गीता
बॉल को भी छत छुलाता हाँ? गुड नाइट गुड नाइट ओह स्वीट हेलो कमन क्लोज योर आईज आंखें बंद करो आंखें बंद करो आंखें बंद करो अभी आंखें बंद करो दैट्स राइट अभी हम सुबह डार्लिंग को जगाएंगा मिल्क देंगा स्वीट स्वीट टॉक करेंगा गुड नाइट बेचारा का मम्मी नहीं है डैडी नहीं है कोई नहीं राइट अपन बेबी को ऑर्फनेज नहीं भेजेगा काय को उसको पालेगा काय को अपना बेबी बनाएगा बट काय को बम काय को मारता है डार्लिंग अपन बेबी को अपना बेटी बनाएगा उसको पढ़ाएगा लिखाएगा वो हमको मम्मी बोलेगा तुमको डैडी बोलेगा पीछे जब भी बड़ा हो जाएगा हम उसका शादी बनाएगा पैसे ऐसे तो नहीं है अरे पैसे नहीं है तो क्या है तेरे पास कुछ नहीं पैसे कुछ नहीं देखा इधर 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 मेरे पास देखा क्या है इसके अंदर क्या बढ़िया बात चलो चल भाई तेरे बाप का है निकाल मेरे पैसे अरे 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 तो पैसे तो निकाल लड़की बच्ची की उम्र कुल मिला के 5-6 बरस की हो जी हाँ लाल रंग का फ्रॉक पहने हुए पाँव में उसके कुछ है मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको रामदास जी कुछ पता चला बेबी का जी उसी के सिलसिले में टेलीफोन कर अरे टेलीफोन करके क्या होगा कुछ और तरकीब सोचिए अरे भाई इतना परेशान होने की क्या बात है 100 तरकीबें सोची जा सकती है तुम सेवा कुंज है सेवा कुंज कौन है यही तो सेवा कुंज है हम बोलता है इसका बॉस की तरह है रामदास जी और फादर हमको छोटा बेबी मांगता है छोटा बेबी छोटा बेबी कैसा बेबी वो बेबी रात को हमारे घर आया खाना खाया ओ यार क्या पहना हुआ था उसने लाल रंग का उसके बाल इधर से कटे थे क्या नाम था उसका
नाम नाम गीता। ओ गिटार 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 रात को तुम्हारी यहाँ थी। आओ यस चलो। अपन बेबी किधर है? वो तो आपके घर में है। ओ नहीं, हम यही तो बोलना मांगता है। बेबी हमारे घर से सुबह भाग गया। प्लीज फादर, हमारा मेमसा बहुत दुखी है, हमको बेबी मांगता है। गीता इधर नहीं आई, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। आप गीता के डैडी? डैडी डैडी तुम डैडी? ओह माय गॉड, अब मेम सबको क्या बोलेगा? अरे पर सुनिए तो, अपना एड्रेस तो दे दीजिए। काय को? अरे पर बताने में क्या हर्ज है? अन काय को? अरे पुलिस को खबर करना है, बम काय को मारता है। डैडी
ढले पंखा झले चंदा ढले पंखा झले मैया तुम्हारी फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी रात की रानी ने तेरी सेज सवारी फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी चांदी का पलना है तो रेशम की है डोरी झूम के मुख झूम रही चांदनी गोरी टोलियां परियों की सुनाए तुझे लोरी सपनों की नगरी में चली लाडली मोरी लागे लली तुझको मेरी उमरिया सारी फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी मंद पवन छेड़ रहा मंद पवन छेड़ रहा बंसी सुहानी अर्ज करे चंद्र किरण सो जा सयानी प्यारी दुलारी ओ मेरी राधिका रानी ले पलकों में तू अब अपनी कहानी बिटिया तेरे नैनन पे वारी मैं वारी फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी नीले नीले ममता के शीतले रे लाख सितारों के नए दीप जले रे झिलमिल सपनों में तेरा प्यार पले रे धीरे धीरे निंदिया के लग जा तू गले रे रात की रानी ने तेरी सेज सवारी फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी चंदा ढले पंखा झले मैया तुम्हारी फूलों पे सो जा मेरी राजकुमारी Thank you.
एक ही नाम शेषव गुप्ता और श्रीमती आशा गुप्ता की लड़की गीता आयु 6 वर्ष उज्जवा तारीख 3 जुलाई से लापता है। उसका पता लगाने वाले को 1001 रुपए का इनाम दिया जाएगा। हमारी रक्षा करो।
मिस्टर गुप्ता, इंस्पेक्टर चौहान हियर। आपकी लड़की के बारे में कुछ खबर मिली। गीता के बारे में क्या खबर मिली? आज दिन को वो रायपुरा मोहल्ले के पास देखी गई। मेरा ख्याल है वो उसी इलाके के आसपास कहीं है, बस कल परसों तक मिल जानी चाहिए। रायपुरा मोहल्ला? आशा, आशा, गीता का पता चल गया, वो रायपुरा मोहल्ले में है। कल सुबह हम दोनों चलेंगे उसे लेने को। अच्छा आशा, चुप क्यों हो गई? आज तुम तो कमाल करते हो बेटा, ये कहां जाएगी बच्ची को छोड़ के? आज चुप रहिए माताजी, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ। आशा ठीक ही तो कहती है, मैं वहां जाके क्या करूंगी, तुम ही चले जाओ। मैं तो जाऊंगा आशा, लेकिन याद रखो, ठोकर मारने वाला किसी दिन ठोकर खा भी सकता है। तुमने अपनी बच्ची के प्यार में गीता को ठुकरा दिया, लेकिन अनाथ बच्चे के आसमान से गिरते हैं। जब गीता पैदा हुई थी तो वो भी इसी तरह किसी की ममता भरी गोद में पली हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके माँ बाप नहीं बचे। लेकिन भगवान को बनाते और बिगाड़ते देर नहीं लगती आशा। मुमकिन है कि एक दिन हम दोनों भी ना रहे, तुम्हारे इस खूबसूरत मकान में आग लग जाए और तुम्हारी ये नाजों से पली हुई बच्ची एक दिन अनाथ हो जाए और ये भी धर धर की ठोकरें खा देती है। भगवान को बनाते और बिगाड़ते देर नहीं लगती आशा। मुमकिन है कि एक दिन हम दोनों भी ना रहे, तुम्हारे इस खूबसूरत मकान में आग लग जाए और तुम्हारी ये नाजों से पली हुई बच्ची एक दिन अनाथ हो जाए और ये भी दर दर की ठोकरें खा दे। जल्दी जल्दी, मैं
मैं गीता को लेने जा रही हूँ मम्मी, मेरे बिना वो नहीं आएगी। आई पागल हो गई है, फिर उस मुसीबत को घर ला रही है। मुसीबत वो नहीं है मम्मी, मुसीबत हो तुम। आई तुम्ही ने उस बेचारी यतीम बच्ची की जिंदगी में जहर घोल दिया, तुम्ही ने मेरे मन में अपनी पराई का भेद पैदा किया, तुम्ही ने मेरे प्यार भरे दिल में नफरत का बीज बो दिया। आशा, जिस औरत के दिल में रहम नहीं, प्यार नहीं, वो औरत नहीं, राक्षस नहीं है। वाह 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 वाह, शाबाश आशा, शाबाश। आखिर किसकी बेटी है? जियो, जिंदाबाद। क्यों जी, कैसी तबीयत? कहो तो डॉक्टर को बुलाऊं। अरे अरे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे पुछ गया, पुछ गया। ये आ गए गुप्ता जी, तुम आ गई बेटी की, बहुत अच्छा किया। आपने बेटी को देखा है रामदास जी? और इसके देखा तो नहीं, मगर खबर मिली है वो यहीं पर। तुम बैठो, मदद ढूंढ के ला। आइए आइए गुप्ता जी, आइए। Thank you.
मेरी धारणा गलत नहीं थी वकील साहब, बिन माँ बाप के बच्चों की समस्या हल हो सकती है। अपने पराए का भेद मिटते ही समस्या का नाम तक नहीं बचता। देखो जी, मैंने भी ये दो बच्चे पसंद किए सेवा कुंज के, अच्छे ना? पसंद किए? तुम पालोगी अनाथ बच्चों को? अनाथ होगे तुम? ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तोता है, ये मैना है, तोता। चम चम करते जितने तारे, चम चम करते जितने